क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से भीषण गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर। भीषण गर्मी से धधक रही है उत्तर भारत की धरती। दिल्ली यूपी से राजस्थान तक आसमान से बरस रही आग। 28 मई का दिन रहा दिल्ली में सबसे गर्म दिन। पारा पहुंचा 50 के पार तो राजस्थान के चूरू में तापमान पहुंचा 50 डिग्री सेल्सियस के पार। दिल्ली यूपी से लेकर राजस्थान तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। ग्लोबल वार्मिंग और सूरज की बढ़ती तपिश से धरती आग की भट्टी की तरह धड़कने लगी है। हीट वेव और हीट स्ट्रोक से लोगों की जान जाने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। मंगलवार को दिल्ली का पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाने से दिल्ली वासियों को गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर झेलना पड़ा। बेरहम गर्मी की मार से इंसान और बेजुबान दोनों हैरान परेशान हैं। देखिए कैसे चुनावी मंच पर गर्मी से बेहाल होकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार बोतल से पानी पी रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए सिर पर पानी डाल रहे हैं। 25 मई को 9 दिन के नौ तपा की शुरुआत होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में इस साल इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि गर्मी का पिछला सारा रिकॉर्ड टूटने लगा है। दिल्ली के मुंगेशपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया तो नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस, नरेला में 49.9 डिग्री और पीतमपुरा में 48 डिग्री के पार पहुंच गया। अगले दो तीन दिन तक दिल्ली में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है जो दिल्ली का अब तक का सबसे अधिकतम तापमान है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में दो दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई तक दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। आलम यह है कि रात का न्यूनतम तापमान भी 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है। दिल्ली से सटी गाजियाबाद और नोएडा में भी तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। गुजरात और राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रही है। सूरज की आग उगलने से राजस्थान की धरती गर्मी से धधक रही है। जयपुर में गर्मी का 7 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने के बाद त्राहिमाम मचा हुआ है। राजस्थान के चूरू और पिलानी में इस बार गर्मी का 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 28 मई को राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस तो पिलानी का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गंगानगर में 49.4 डिग्री, फलौदी में 49 डिग्री, बीकानेर में 48.3 डिग्री, कोटा में 48.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और केरल में मॉनसून के दस्तक देने के बावजूद भी फिलहाल कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। अभी जो दिल्ली में कंडीशन चल रहा है, सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ कुछ जगह में चल रहा है। मुंगेशपुर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो 48.8 है, तो इट इज सीवियर हीट वेव कंडीशन। तो अगले दो दिन में सिमिलर कंडीशन प्रिवेल करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के असर से धरती के जन्नत जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके भी भयानक हीट वेव की चपेट में है। मौसम विभाग की माने तो साल 2024 इस शताब्दी का सबसे गर्म साल बन सकता है। देश के लोग मॉनसून के आने की बाट जो रहे हैं ताकि आग की भट्टी की तरह धधक रही धरती के साथ गर्मी के प्रचंड प्रहार और हीट वेव से निजात मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन।